अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशफाक मुश्ताक और मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद शफीक। इस वक्त हम अल्लामा इकबाल हाउस सियालकोट में मौजूद हैं। आपको आज हमें मौका मिला सियालकोट में अल्लामा इकबाल साहब का घर विज़िट करने का, तो हमने कहा क्यों ना आपको भी इसका विज़िट कराया जाए। तो हम मैं आपको मज़ीद इसके रूम दिखाऊँगा। अल्लामा इकबाल का सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, कोई काबिल हो तो शाने तो कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सर असगर भी मौजूद हैं, मोहम्मद असगर नक्शबंदी साहब, और साथ ही मौजूद हैं लियाकत अब्बासी साहब। हम दोस्तों ने मिलकर एक ट्रिप अरेंज किया कि क्यों ना विज़िट किया जाए। तो आइए हम आपको मज़ीद रूम्स का विज़िट कराता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखें अल्लामा इकबाल साहब की ये एक टेबल भी है और मुख्तलिफ अशार भी लिखे हुए हैं। तो मज़ीद हम आपको इसका विज़िट कराते हैं। यहाँ पर काफ़ी उनकी रिहाइश गाह के कमरे भी हैं और नीचे पोर्शन में एक पैदाइश गाह का भी कमरा है। लीजिए शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, ये है वो जगह जहाँ अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए, ठीक है। और यहाँ उनका बहुत प्यारा शेर भी लिखा हुआ है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरा मेरे कारवां के लिए। तो दोस्तों, आज बड़ी जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। मैं आपको अल्लामा इकबाल साहब का ये बेडरूम विजिट करवाता हूँ। जी, उनका बेडरूम है अल्लामा इकबाल साहब का। ये उनका बेड है और ये उनकी कुछ पुरानी यादें, जैसे कि आई थिंक सो हुक्का, ये प्लेट है और ये कुछ बर्तन, ठीक हो गया। और सर ये उनके किसी बच्चों की तस्वीर है और ये अल्लामा इकबाल साहब की माँ अम्मी हैं, ठीक है। और ये अल्लामा इकबाल साहब के पोते जावेद इकबाल साहब। आए सर, आपको मज़ीद हम विज़िट करवाते हैं। सर ये उनका दूसरा बेडरूम है और इसके अलावा ये भाई माशाल्लाह काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और बहुत ही प्यारी है। मैं दाद देता हूँ उन कारीगरों को जिन्होंने इतनी पुरानी बिल्डिंग इतनी प्यारी बनाई है। माशाल्लाह जी, ये उनकी कुछ यादें हैं कि उन्होंने जो यानी कि तकरीबात वगैरह विज़िट की। मज़ीद हम आपको इंशाल्लाह पिक्स में भी शेयर करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। पाकिस्तान ओके, अल्लाह हाफिज़।